मैं डॉक्टर अनुप पटेल, फाउंडर ओम फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर नवरंगपुर अहमदाबाद। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पटेल और फीमोरल सिंड्रोम के बारे में, जो कहाँ होता है। सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, पटेल और फीमोरल सिंड्रोम हमारे घुटने के अंदर होता है। पटेल और फीमोरल सिंड्रोम घुटने के अंदर होता है। घुटने में जो आगे की ओर हमारी जो हड्डी आती है उसे हम बोलते हैं पटेला, उसको हम निकेप भी बोलते हैं, जो ट्रायंगुलर शेप में होती है, जिसे हम त्रिकोण शेप में भी बोलते हैं। उसकी मैं फोटो रख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पटेला किसको बोलते हैं। अभी वो पटेला जो घुटने में आगे की ओर जो हड्डी आती है वो बाहर की साइड, हमारे निकेप बाहर की साइड 1 mm जितनी, जिसे हम देखेंगे फिर भी मालूम नहीं होगा, लेकिन 1 mm जितनी थोड़ी सी बाहर आ जाती है, उसे हम बोलते हैं पटेलो फीमोरल सिंड्रोम। ये पटेला का काम क्या है, जब भी हमारा पैर मुड़ता है या सीधा होता है, इस तरह से हम इसको मोड़ते हैं और सीधा करते हैं, उस टाइम पे ये पटेला हमारे नी जॉइंट में ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे मूव होती है। वो अपनी जगह से मूव होकर थोड़ा सा खिसक जाएगी 1 mm जितना भी, तो उसके बाद पैर को मोड़ने के बाद आप सीधा करोगे तो आपके पैर में से क्लिक साउंड आएगा, आपके पैर में से टक टक करके, जिसे हम बोलते हैं क्लिक साउंड, आपको सुनाई देगा या तो फिर अंदर घुटने में आपको फील होगा, उससे हम बोलते हैं पटेलो फीमोरल सिंड्रोम। पटेला हमारा थोड़ा सा 1 mm जितना ही, ज्यादा नहीं होगा, एकदम थोड़ा सा होगा, जिसे हम देखेंगे फिर भी हमें मालूम नहीं होगा, वो हमें एक्सरे में ही क्लियर होगा कि वो खिसक गया है। इसलिए आपको समझो एक्सरे में देखना हो तो सनराइज व्यू एक्सरे आप करवाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसके अंदर आपको पटेला फीमोरल सिंड्रोम है। और ये पटेला फीमोरल सिंड्रोम ये 40 की एज से जो कम होता है, जो यंग एज बोलते हैं, उन्हें ज्यादा होता है। ये घुटने का जो दर्द होता है, ये पटेला फीमोरल सिंड्रोम यंग एज में ज्यादा होता है। जो जंपिंग, साइकिलिंग और स्क्वाट, जो हैवी वेट लेके स्क्वाट करते हैं, जैसे 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो लेके स्क्वाट करते हैं, उस टाइम पे उनसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है, उसके हिसाब से ये मसल ज्यादा टाइट हो जाता है और इस साइड का मसल थोड़ा लूज हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, उसके हिसाब से पटेलो फीमोरल सिंड्रोम होता है। पटेलो फीमोरल सिंड्रोम हमारे घुटने में होता है। जो हमारा जो बाहर का मसल, ये जो मसल है इस साइड वाला, उसे हम बोलते हैं वास्टस लेटरलिस मसल, जो ज्यादा टाइट हो जाता है, और इधर हमारा जो मसल्स आता है उसे बोलते हैं वास्टस मीडियलिस मसल्स। अभी ये दोनों मसल्स हमारे आगे की ओर जो मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप मसल्स, उसे क्वाड्रिसेप मसल्स जो ग्रुप है उसी के दोनों मसल्स हैं। मैं उसका भी फोटो रख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये दोनों मसल्स हमारे फीमर, जो हमारा हिप जॉइंट का जो फीमर बोन है, उसमें से निकलकर इधर क्वाड्रिसेप टेंडन आता है। जो हमारी ये पटेला होती है, वहां पे जो टेंडन होता है, वहां पे जाके ज्वाइंट होते हैं। अभी ये मसल्स टाइट हो जाएगा, उसके हिसाब क्या होगा, ये जो हमारी पटेला उसको अपनी ओर खींचेगा और ये लूज हो जाएगा, इसलिए वो उसको उस तरफ जाने देगा। ये ज्यादा टाइट होगा तो इसको खींच लेगा। भी जब भी आप पैर को बेंड करोगे, मोड़ोगे 90 डिग्री से ज्यादा मोड़ोगे, तो कम मोड़ोगे तो आवाज नहीं आएगा, आप 90 डिग्री से ज्यादा मोड़ते हो तो आपको मोड़ने के बाद जब भी आप सीधा करोगे तभी क्लिक साउंड आएगा, उसको सीधा करोगे तभी आएगा, मोड़ोगे तभी साउंड नहीं आएगा। आप जैसे भी इसको सीधा करोगे आपको क्लिक साउंड आएगा, उससे हम बोलते हैं पटेलो फीमोरल सिंड्रोम। अभी हमारे फिजियोथेरेपी में पटेलो फीमोरल सिंड्रोम को चेक करने के लिए और एक टेस्ट है जिसे हम ग्राइंड टेस्ट कहते हैं, उसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी पहले हम बात करते हैं पटेलो फीमोरल सिंड्रोम को घर बैठे आप किस तरह से ठीक कर सकते हो। अभी जो मसल्स हमारा इधर का वास्टस लेटरलिस मसल जिसे बोलते हैं वो टाइट हो गया, उसे हमें स्ट्रेच करना होगा, और जो हमारा वास्टस मीडियलिस मसल से जो स्ट्रेच होकर हो गया, लूज हो गया, उसे हमें स्ट्रेंथनिंग करना होगा, इसे हमें मजबूत करना होगा, जिससे हमारी जो पटेला, उसकी जो ग्रूव होती है, जो उसकी लाइन में हम जब भी पैर को आगे पीछे इस तरह से करते हैं तभी ये पटेला ऊपर नीचे मूव होती है, वो अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक जाती है, तभी ये पटेला फीमोरल सिंड्रोम होती है। अभी उसे हमें वापस उसकी जगह पे लाने के लिए इस साइड के मसल को स्ट्रेच करना होगा, जो इसे वास्टस लेटरलिस मसल्स बोलते हैं, अंदर का जो इस साइड का मसल है उसे बोलते हैं वास्टस मीडियलिस मसल्स, उसको हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवानी होगी। भी सबसे पहले मैं आपको उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बता देता हूँ कि वो आपको किस तरह से करनी
होगी। ये करने के लिए आपको सबसे पहले खड़ा होना होगा, लेकिन ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको हमेशा सपोर्ट लेके ही करना है। आपको जिस पैर में भी ये दिक्कत होती है, पटेला फीमोरल सिंड्रोम है, उसके लिए आपको पहले उस पैर को इस तरह से मोड़ो। इसको मोड़ने के बाद हमें इस तरह से पूरा पीछे नहीं खींचना है, ये याद रखिए। इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसको इस तरह से करते हैं। ऐसे करने से हमारे आगे का क्वाड्रिसेप मसल्स पूरा स्ट्रेच होगा। हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें अपोजिट हैंड से, अपोजिट लेग और अपोजिट हैंड से इस तरह से पकड़ के साइड में, यूं साइड में हमें पूरा टेढ़ा खींचना होगा। इस तरह से आप खींचोगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। अभी इसको करने के लिए आपको सपोर्ट लेके ही करना होगा, नहीं तो हमें गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करो, 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर दो, वापस से इसको साइड में खींचो। साइड में ही खींचना है ऐसे टेढ़ा, हमें इसको पूरा इस तरह से नहीं खींचना है, ये ध्यान रखना। हमें ऐसे नहीं खींचना है, इसको हमें अपोजिट लेग से साइड में इस तरह से खींचना है। ये हमारी पहली एक्सरसाइज होगी। दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। मैं आपको बताता हूँ इसकी दूसरी एक्सरसाइज, पटेला फीमोरल सिंड्रोम को स्ट्रेंथनिंग करने की दूसरी एक्सरसाइज। उसके लिए आपको सबसे पहले लेट जाना होगा। इस तरह से लेटने के बाद आपको जिस पैर में दिक्कत है, उस पैर को आपका जो पैर का पंजा है इसको बाहर की ओर, मींस एक्सटर्नली बाहर की ओर इस तरह से घुमा देना है, इस तरह से कर देना है पैर का पंजा इस तरह से। हमें इसको सीधा ऊपर नहीं उठाना है, इस तरह से मोड़ देना है। इससे हमारा जो ये मसल है वास्टस मीडियलिस मसल, उसकी हमें स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। उसके लिए हमें इस तरह से इसको थोड़ा से ऊपर करना है, हमें 30-40 degrees तक इसको ऊपर करना है, फिर वापस नीचे रख देना है, वापस इसको ऊपर करना है, वापस नीचे रख देना है, फिर से इसको ऊपर करो, वापस नीचे करो, फिर से ऊपर करो, वापस नीचे करो। इसको याद रखना है, ये पैर को हमें सीधा नहीं, लेकिन इस तरह से घुमाकर बाहर की ओर, पैर का जो हमारा पंजा है उसको बाहर की ओर घुमाकर इस तरह से, इसे हम बोलते हैं VMO, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जिससे हमारा जो ये मसल्स लूज हो गया है वो स्ट्रेंथनिंग से स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाएगा। इस तरह से करना होगा, ये इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको दोनों पैर को मोड़ देना होगा। फिर हमारा जो पिल्लो होता है उसे हमें मोड़ के दोनों पैर के बीच में इस तरह से रखना है, और दोनों पैर को अंदर की साइड इस तरह से दबाना है, 5 काउंट करना है, 1 2 3 4 5, छोड़ दो, वापस से दोनों पैर को दबाओ, 1 2 3 4 5, छोड़ दो, फिर से दबाओ, 1 2 3 4 5, छोड़ दो, वापस से करो, 1 2 3 4 5, छोड़ दो। इस तरह से भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ये दूसरी एक्सरसाइज है। और हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको इस तरह से साइड लाइन में होना होगा, इस तरह से साइड लाइन में होना होगा, और हमारा जो जो पैर में हमें दर्द होता है वो पैर हमारी साइड लाइन में नीचे की साइड होना चाहिए। जिस पैर में हमें पटेला फीमोरल सिंड्रोम हुआ है वो नीचे की साइड होना चाहिए, और जिसे हमें कुछ नहीं हुआ वो हमारा इस तरह ऊपर की साइड होगा। इसे हमें आगे की ओर रख देना है, और हमारा जो नीचे का पैर है उसका पंजा इस तरह से खींच के इसको सिर्फ इस तरह से ऊपर ले जाओ, फिर नीचे लाओ। इसको पूरा ऊपर इस तरह से नहीं करना है, बस 30-40 degrees तक ले जाओ, 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5, छोड़ दो, इसको वापस ले जाओ, 1 2 3 4 5, छोड़ दो, वापस से करो, 1 2 3 4 5। कहीं लोग ये पैर आगे नहीं रख सकते तो इसको आप पीछे रख के भी आराम से कर सकते हो, 1 2 3 4 5, छोड़ दो। ये करो तभी हमें पैर का पंजा खींच के रखना है, एक, और इसको बहुत ऊपर नहीं ले जाना है, हमें इसको 30-40 degrees तक ही ऊपर ले जाना है, यहाँ जिससे हमें ये हमारा जो वास्टस मीडियलिस मसल से उसकी हमें स्ट्रेंथनिंग करनी है। इस तरह से आप ये 3 एक्सरसाइज कर सकते हो, और पहली जो मैंने बताई वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ऑलवेज आपको याद रखना है, आप जब भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो तो उसके काउंट कम होंगे, और जब भी आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हो तो उसके काउंट आपके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से ज्यादा होंगे। इस तरह आपको ये चारों चार एक्सरसाइज करनी होगी। ये एक्सरसाइज आप करोगे तो आपका पटेलो फीमोरल सिंड्रोम पेन है घर बैठे ही क्लियर हो जाएगा। इसके साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।